मकाना बुद्धि में इकट्ठा हो गया क्या? आदि का परिचय में 1936 रहने वाला डैम में जाती थी जल सकता थी इस टाइम में सेवक राम को गीता माता सदैव जी राय के थी उसी टाइम में उस टाइम में जब ये स्टार्ट होने के पहले ही वो दोनों को शिक्षण पड़ा और ना पड़ा यज्ञ स्टार्ट होने के पहले ही ज्ञान यज्ञ स्टार्ट होने के पहले कैसे शिक्षण पड़ेगा? नहीं ये स्थापना होगी स्थापना के साथ साथ विनाश वाला प्रज्वलित होगी ना, पहले कैसे प्रज्वलित हो जाएगी? तो वो खरीद का शूटिंग होता था खरीद का शूटिंग उसी टाइम में और दोनों के बीच में सेवक राम और गीता माता के बीच में मन का टकराव होता था। तो टकराव तो तब होता था जब थोड़े समय यज्ञ चला, थोड़े समय यज्ञ चलने के बाद फिर टकराव हुआ। पहले स्थापना हुई, ब्रह्मा की बुद्धि में ये बात बैठ गई कि मेरा ही कृष्ण का पार्ट है, मुझे ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाना है, मैं नई दुनिया में जाकर के कृष्ण बच्चा बनूंगा, मेरा विष्णु का पार्ट है। तो जब अच्छी तरह बुद्धि में ये बात बैठ गई फिर हुआ टकराव बाद में। तो ब्रह्मा की बुद्धि में ये बैठना चाहिए ना, क्या मैं ही कृष्ण हूँ? गीता का भगवान बुद्धि में बैठना चाहिए ना। पतन कब हो? जब बुद्धि में गीता का भगवान वाली बात बैठ जाएगी। वास्तव में ज्ञान का फाउंडेशन डालने वाला तो प्रजापिता था प्रैक्टिकल में, लेकिन वो जो ब्राह्मण इकट्ठे हुए उन ब्राह्मणों के संग के रंग में आकर के ब्रह्मा की बुद्धि में ये बैठ गया कि गीता का भगवान मैं। वही बात सारी तो वेद व्यास ये विक्रमादित्य राजा को बाप है ना, वही वेद व्यास ऐसे लिखा हुआ है ना पापा। पहले बने चित्र या पहले बने शास्त्र? तो किसने बने, कितने बने किसने, चित्रकारी किसने की, किसने चित्रकारी की है? भित्ति चित्र बने हैं पहाड़ों में गुफाओं में, जो चित्र बनाए गए वो उस समय के चित्र जो है वो उनमें सारा ज्ञान भरा हुआ था, अजंता एलोरा है। लेकिन वो चित्र भी वास्तव में तब बने हैं जब किसी ने सच्चाई सुनाई है। किसने सुनाई? वो सच्चाई सुनाई गई लेकिन लिखे नहीं गए उस समय शास्त्र। जैसे कोई भी धर्म पिता आते हैं तो मुंह से बोलते हैं, उस समय कोई लिखने वाला नहीं बैठा होता है। ऐसे ही राजा विक्रमादित्य को शिव का मंदिर बनाने की सलाह दी गई तो मुख से सलाह दी गई, उसने उस सलाह को माना, तो सलाह देने वाला जो है वो शास्त्रकार हुआ या लेने वाला शास्त्रकार हुआ? देने वाला वही पहला अध्यास था। बाद में जो आए उन्होंने लिखा पट्टी शुरू की। जो बाबा भी आकर के मुख से बोलते हैं लिखते थोड़ा ही है, बाद वाले से लिखते हैं।
जब लिखते हैं तो उसमें कैसी करते हैं? ये अंतर हो गया 2500 वर्ष बाद में इतना शुरू होता है ना, इतना टाइम बाकी हो गया तो कारण वो जो कुछ बोला उस बोले हुए के आधार पर भी चित्र बनाए गए गुफाओं में, बाद में उन भी चित्रों के आधार पर फिर लिखने वालों ने शास्त्र लिखे। पहले चित्र बनते हैं फिर शास्त्र लिखे जाते, तो ऐसे नहीं कि शास्त्र थे ही नहीं पहले। शास्त्र माने जो मुख से उच्चारण किया वो था, रट लिया सुनने वालों ने। ब्रह्मा माना गीता माता है ना, लेकिन शास्त्रों में चित्र ब्रह्मा माना पुरुष को दिखाते हैं ना, वैसे कि ब्रह्मा तो विष्णु एक सेकंड में होंगे वैष्णवी देव, लेकिन चित्रों में विष्णु माना पुरुष रूप को दिखाते हैं। पुरुष रूप को भी दिखाते हैं, स्त्री रूप को भी दिखाते हैं, वैष्णवी देवी नहीं दिखाते हैं? देवी की यात्रा करने जाते हैं कि नहीं? बड़ी बड़ा मेला लगता है वैष्णवी देवी की यात्रा का। तो जब स्त्री रूप आगे हो जाता है और वो कार्य करता है तो महालक्ष्मी का रूप होता है, और जब पुरुष रूप आगे हो जाता है तो महानारायण बनता है। द्वापर युग में नारायण को आगे किया गया और कलयुग में देवियों को आगे किया गया। देवियां जब आगे बढ़ती हैं तो स्थापना हो जाती है। भगवान श्री ईश्वरी 333 में बोला है कृष्ण का 82 जन्म है, 82 जन्म होता है 67 में, उम्र 67 का है। जिस कृष्ण की बात की गई है वो कृष्ण संगम युगी है या सतयुगी है? वो ठीक है, शिष्य संग में ब्रह्मा बाबा था। ब्रह्मा बाबा था, लेकिन ब्रह्मा बाबा संगम युगी कृष्ण है या सतयुगी कृष्ण है? सतयुगी कृष्ण है, इसलिए संगम के कृष्ण बनने में उसको टाइम लग जाता है ना। जब वो शरीर छोड़ेगा प्रवेश करके किसी कंठ के द्वारा पाठ बजाएगा तभी तो संगम के कृष्ण बनेगा। और दस करोड़ है वो भी उसमें आ जाते हैं, और वापस से जो भी देवता आते हैं ना वो डायरेक्ट आते हैं। लेकिन उनको भी वापस कलयुग में तो गंगा जय है ना, उनको सद्गति कैसे मिलेगा डायरेक्ट आएंगे तो? वो पहले जन्म में आकर के गर्भ जय से जन्म नहीं लेते, उनको भी प्रवेश करना है। गर्भ जय में आएंगे तो उनको त्राय त्राय करना पड़ेगा। जो आत्मा ऊपर से सत्व प्रधान आएगी, जो मेरे बच्चे आते हैं ऊपर से, जिस समय मेरे बच्चे होते हैं सत्व प्रधान अवस्था में, कोई आत्मा नई नई ज्ञान में निकलती है तो सत्व प्रधान होती है या तुरंत तमो प्रधान बन जाती है? सत्व प्रधान। वो मेरे बच्चे हैं तो मेरे बच्चे दुखी थोड़े ही होंगे, वो गर्भ का दुख नहीं भोगते, वो किसी में प्रवेश करते हैं। किसमें प्रवेश करते हैं? उन देवताओं में प्रवेश करते हैं जो पहले पति बन जाते हैं। दस करोड़ में, दस करोड़ में प्रवेश करेंगे। छोड़ी है ना, हाँ जी। समय हो, बीमारी हो गया नहीं तो
तो बताया पूरा ज्ञान नहीं था उस समय, इसलिए छोड़ के चले गए, बीमारी थोड़ी छोड़ के चले गए। यज्ञ छोड़ के चले गए, तो जैसे छोड़ता कोई ना कोई तरीका होगा, जैसे छोड़ दिया। जो मान पुरुष होते हैं वो तो उनकी सही छोड़ने की भी मानता होती है, साधारण तरीके थोड़ी सही छोड़ते हैं। एक मुरली में बीमारी हो गया, मुरली हो गया, बीमारी हो गया, भैया माया की बीमारी हो गई। लेकिन बाबा जब तक ये मेरे सूर्यवंशी बच्चे है, तीन मिट्टी चार चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य, उसी टाइम तक वो मुसलमान देख लो इस्लामी उतना खराब नहीं थे, थोड़ा उधर ही जाकर के राज्य किया। मुसलमानों के आक्रमण थोड़े हुए थे, नहीं मुसलमानों के आक्रमण तो कलयुग में होते हैं, कलयुग में होते हैं। तो माया जी राज्य सिर्फ 1250 वर्ष होना चाहिए, आप बता रहे हैं 200-500 ईयर्स कैसे हो सकता है। माया का राज्य का फाउंडेशन पड़ जाता है, बढ़ जाता है। माया में उस समय तत्व प्रधान होती है, तमो प्रधान नहीं होती। दुनिया की हर चीज पहले तत्व प्रधान, फिर बाद में तमो प्रधान, तो माया भी सत्व प्रधान होती है। बट लेकिन बाबा ये सत्व सामान्य रजो 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 प्रधान रजो सामान्य क्यों नहीं बोलते? रजो सामान्य रजो रजत जो है वो डिस्चार्ज होने वाला होता है, तो एकदम डिस्चार्ज हो गया माने गिर गया, उसका सामान्य क्या होगा? बाबा 92 में प्रजापिता चले गए, 92 बाद में मुरली गीता माता क्रॉस करते थे। हाँ जी, वो करने का मुरली का कुछ प्रूफ है बताए ना? मुरली में बताया कि बाप लिखाते थे और ये लिखते थे ब्रह्मा 10-15 पेज रोज तक अमृत वेले लिखते थे और बाप लिखाते थे, तो बाप किसके द्वारा लिखाते थे? गीता माता के द्वारा लिखाते थे। ब्रह्मा कितने हैं? वो ब्रह्मा लिखते थे, तो वो ब्रह्मा नहीं है। ब्रह्मा नाम कब पड़ता है? जब प्रवेश करते हैं तो ब्रह्मा नाम पड़ता है, जिस तरह भी प्रवेश करेंगे उनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। ये क्योंकि आज में भी तीन ब्रह्मा हो गए, कौन कौन? दादा ने कहा ब्रह्मा। और बोलो 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 बार छुट्टी दक्षिण भारत में मंदिर रहते हैं ना, उसमें गर्भगुड़ी रहते हैं, गर्भगुड़ी पूजा के गर्भ मंदिर, हाँ भक्तों को अलो नहीं करते हैं। उत्तर भारत में ऐसा नहीं, उत्तर भारत में गर्भ मंदिर ज्यादातर नहीं रहते हैं, प्रतिमा रहते हैं, नजदीक जाके छूते हैं, पूजा करते हैं। तो वहाँ पैदा होने की बात दिखाया गया होगा मंदिर में, यहाँ जब पैदा होने का टाइम होता है तो गर्भ के अंदर रहते हैं गुप्त,
गर्भ माने क्या है? गर्भ माने गुप्त। वो इधर समझ जाते हैं उधर भगवान की प्रत्यक्षता होती होगी शुरुआत में, तो पहले गुप्त पार्ट में जाया होगा। कंसी जराकंसी जब पीछे पड़े हुए थे तो कृष्ण जिन्हें भगवान कहा जाता है वो कहाँ जाके छिपे? यशोदा यहाँ जाके छिप गए ना, तो उनका गर्भ गए हो गए, कंस ने नहीं जाना, शिशुपाल ने नहीं जाना, जरासंध ने नहीं जाना। यहाँ भी बाप कहते हैं, बाप दादा बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हो गए और दुनिया के आगे गुप्त हो गए। 2001 की वाणी में बोला 2000 में बाबा दक्षिण भारत में पुजारी स्त्री नहीं होते इधर, स्त्री को पुजारी नहीं बनाते यहाँ, पूजा करवाते हैं। उत्तर भारत में कहाँ बनाते हैं? कोई कोई स्त्री पूजा करते हैं, साईं बाबा। उत्तर भारत में भी सब पुरुष ही पुजारी होते हैं? रुद्रमाला पुरुष है या स्त्री है? असली पुजारी कौन है? यहाँ पूजा की बात नहीं है। बाबा मुरली में बोला है, कई मुरली में बोला है, मैंने पहले पहले ज्ञान सूर्य को दिया है, वो छुप है। पहले ज्ञान आया ब्रह्मा बाबा से, ब्रह्मा बाबा से आया मुरली सुना है, मुरली सुना है, वो ज्ञान जो आया मुरली सुनने, ब्रह्मा बाबा से मुरली सुनने से पहले कभी शिव ने आकर नहीं बोला? वो बोला है, वो उसका साक्षात्कार का रहस्य बताया, साक्षात्कार का रहस्य बताया। तो जिसने बताया वो रहस्य दुनिया वालों ने तो नहीं बताया? वो ठीक है, वो बोल नहीं तो जो कुछ भी बताया, जो बातचीत करते हैं वो मुरली नहीं है क्या? वो ठीक है, तो ये की आपने जो कुछ बताया वही मुरली शुरुआत होगी। लेकिन वो मुरली में बताया है सारी ज्ञान मैंने सूर्य को दिया है, सारा ज्ञान मैंने सूर्य को नहीं दिया, बोलना है ये ज्ञान सबसे पहले मैं सूर्य को देता हूँ, माने जो भी ज्ञान का बीज है वो वहाँ भी सूर्य को मिला और जब एडवांस शुरू होता है तो भी सूर्य को मिलता है। बेसिक नॉलेज भी पहले सूर्य से शुरू होती है और एडवांस नॉलेज भी सूर्य से शुरू होती है, और जब प्रैक्टिकल होता है शुरू तो भी सूर्य से शुरू होता है। तो जब पहले सूर्य को दिया उसी टाइम राम वाली आत्मा फेल हो करके जाने कुछ उसी टाइम नहीं फेल हो गया, टाइम लगता है, तो पढ़ाई चलती रही 4-6 साल के बाद ही तो छोड़ा है, शुरुआत के बाद है, शुरुआत में थोड़ी चला गया है। ओ ब्रह्मा ब्राह्मण बैठे ही बाप को हटा करके वो शूटिंग हो गई, वो पक्के ब्राह्मण थोड़े ऐसा करते हैं, कच्चे ब्राह्मण तो कच्चे ब्राह्मण ऐसे भी छोड़ने वाले वो ऐसा करते हैं। नई दुनिया बनेगी तो नई दुनिया आने के टाइम जो पक्के ब्राह्मण होंगे वो शरीर नहीं छोड़ेंगे, वो अंत तक बाप में सहयोगी रहेंगे, जो झूठे ब्राह्मण होंगे और शरीर छोड़ करके चले जाएंगे। दक्षिण भारत में जो माँ पूजा हो रही ना 12 साल में, और कौन सा समय का था 12 साल? ऐसा 12 साल में एक ही बार पूजा होता है ना, अभियान हो गया है। वो कौन सा समय? बाहु कहा जाता है, भुजाओं का जिसमें बल है, भुजाओं का बल है ना उसमें, बारह साल के बाद जगन्नाथ की भी तो मूर्ति बदली जाती है, जगन्नाथ की जो लकड़ी है वो भी 12 साल उसमें पड़ी रहती है नदी में,
उसके बाद हर 12 साल के बाद नई लकड़ी डालते हैं, नई लकड़ी की मूर्ति बनती है। भरत की आत्मा किसको कहते हैं? बाहुबली तो राम की सीढ़ी विजेता में जो दाम देते हुए दिखाया है ना विजेती, उसमें कोई विजेती होगा जिसने उस भिखमंगे को भरपूर किया होगा पहले पहले, मगर उसको इधर बोल के वो नीचे जा रहा है ऐसा ही बोलते बहुत ये महिमा में उनको भारत बहुत बोलते हैं, मगर उनका पूजा कम होते हैं। पूजा कम होते पूजनीय काम नहीं किया होगा, अपवित्रता का काम किया होगा, मगर महिमा बहुत करते महिमा बात अलग है और पूजा बात अलग है। पूजा होती है प्योरिटी के आधार पर, रुद्रमाला के मेहकों की महिमा होती है, पूजा पूजा नहीं होती, और विजयमाला के मेहकों की पूजा होती है, उन्होंने पवित्रता का पारण किया होगा इनकी पूजा होती है, रुद्रमाला के मेहकों ने ऐसा काम किया होगा जिसकी महिमा होती है। पूछना चाहते हैं कि अष्टदेव जो भी है वो सभी नए संगठन में है क्या, ठीक है, या अभी कैसे सुना माता जी ऊपर, तो उसके अनुसार बाबा ने बोला है कि पहले 2 पत्ते निकलते हैं उसके अंदर से और 2 पत्ते निकलते हैं, तो कौन सा सच है? क्या मतलब झूठ क्या हुआ? सारे ही युवा में है ऐसे भी ऐसे तो नहीं था, आना जाना करते हो ना माने है नहीं ना तो ये भी पूछना चाहती है, ये बात हल हो गई होंगी बाबा ये वो समझ गया वो रहने वाला ही देव होंगे उनकी समझने की बात समझ अपनी बात बोलिए अष्टदेव में 2+2 अब बड़े दो पहले दो पत्ते पहले फिर उसके बाद 2 पत्ते और तो 2 पत्ते वो उधर स्टेइंग करते हैं और 2 बाद में 2 और ऐड हो जाते हैं तो उनको
कौन है वो नए इधर दस्तावेज से बच्चे करके वो करने वाले उधर खड़ा करके जन्म बाबा ये आप बच्चा के अंदर वो बट्टी करके कुछ करके इधर एडवांस में कुछ करने वाले ही उधर सलेक्शन हो करके एम एस को गए हैं या तो पहले वाले ही उधर जा करके वो बोल रहे 10 साल किया आत्मा वो एनएस में रहते हैं या क्या पहले वाले पुराने वाले भी जाता पुराने वाले वो तो पुराने होंगे ही यज्ञ के आदि में भी थे उनके लिए बोला हुआ है कि दीदी दादियों को श्रृंगार किया है उन्होंने आदि में भी श्रृंगार किया था क्या आज में श्रृंगार किया था दीदी बोलो थे अभी अंत में श्रृंगार करेंगे ज्ञान ज्ञान रख लो वो ज्ञान अभी उनमें नहीं है दीदी दादियों में तो पुराने हुए कि नहीं हुए इस जन्म में भले नहीं हो उससे क्या अंतर पड़ता है लास्ट टू फास्ट जा सकते हैं पुराने होते हैं उनको पुरानेपन का अहंकार रहता है जो नए होते हैं उनको ये अहंकार होता नहीं है हाँ जी माता जी पूछती है कि क्या सारे लोग वहाँ ही इकट्ठे हो गए हैं या तो सारी दुनिया में भी फैले हुए हैं सारे लोग क्या अष्टदेव इकट्ठे कहाँ हो गए हैं अष्टदेव तो आना जाना करने वाले हैं अष्टदेव में ज्यादातर जो है वो आना जाना करने वाले हैं जो नई दुनिया बनी है उसमें कोई दो पहले पत्ते होंगे ना जो संभालने वाले होंगे बाकी सब आना जाना करने वाले कोई कोई बोल रहे बाबा वहाँ दिल्ली में कुछ कन्या अलग जगह पर रखा है वो नया संगठन है इसे बोल रही संगठन होगा तो स्थान भी तो होगा संगठन का संगठन होगा तो उसका स्थान नहीं होगा स्थान भी होगा हाँ दो पत्ते हुए थे योगेश्वर और योगिनी बहन हाँ हो सकता है बुद्धि बहुत चल रही है आठ साउथ इंडियन मेजोरिटी बंद कर अपने आप समझ सकते हैं क्या वो हम ही आएंगे हम ही आएंगे ऐसे वो लोग समझ सकते हैं क्या आए भी आएंगे आपका जो आने जाना करते हैं वो हो सकता है आने जाना करने वाले बहुत हों आठ में आने वालों के लिए तो बंदी हुई है तो उसमें शनि भगवान मिल गया है वो भी उधर जा करके आना जाना कर सकता है शनि भगवान आओ अष्टदेवों का जो चित्र है दक्षिण भारत में
उसमें शनिदेव को नहीं दिखाया लेकिन दूसरा रूप दिखाया गया उसका, दूसरा रूप दिखाया निकृति। सदगुरु का रूप जल्ला ही दिखाई पड़ेगा आपको बोला जल्ला धर्मराज का स्वरूप से ही बहुत अधिक भयंकर वो होता है जल्लाद। हाँ राजा आदेश देता है जिसको फांसी चढ़ाया जाए, राजा फांसी चढ़ाता नहीं है, चढ़ाता नहीं है, लेकिन जो जल्लाद होता है वो फांसी चढ़ाता है, चढ़ाता है, राजा से उतना डर नहीं लगता है भयंकर रूप दिखाई देता है तभी तो राम को रावण कह दिया। लेकिन चौरासी इधर भी है उनको जलाद का रूप पाठ बनाते हैं, मगर बाप को भी ऐसे लिख बनाते हैं। डालने वाले कौन होते हैं भक्ति मार्ग में? शंकर का चित्र ऐसे बनाया दिया है जैसे रावण, ये मुरली में क्यों बोला रामी रावण बनता है। अच्छा ठीक है, वो सबका बाप है, रावण का बाप कौन है? और रावण का भी बाप है, माया बेटी है कि नहीं? तो बाप कौन हुआ फिर? माया बेटी है, माया बेटी है तो उसका बाप होगा कोई, माया बेटी भी सरस्वतीवान, बाप भी सरस्वतीवान, तो कौन है सरस्वतीवान? असलियत बाबा ही है, बेटी है, मैंने तो ऐसे ही दे दिया। आज भी अंत तक लड़ते ही रहेंगे बाबा। से पूरे बाबा तबियत की है ना, उससे पहले लिखने के शुरू हो गया नहीं बाद में जब प्रजापिता चला गया था। तो 33 में लिखने के मुरली है, मुरली है लिखने के हाथ में। 33 अरे किसी ने आपको छाप के दे दिया 33 छाप दिया तो 33 का हो जाएगा बाबा। जब कृष्ण आत्मा को हमको पढ़ाया जी तो इधर को देखो होता था शुरुआत छत्तीस 37 के अंदर ही साक्षात्कार भी हुए, उनका क्लैरिफिकेशन भी हो गया। पलट दिया जाए बाबा। कभी कभी आप हमको पढ़ाने के लिए आने के पहले
हमारों को ऐसे लगता है आज बाबा आना ही है, ऐसे एकदम रोमांचन सारी 24 घंटे उतना मेरा का स्थिति अच्छी तरह से आ रहा है। ये कैसे हो रहा है? वाइब्रेशन आ जाता है बाबा आने वाले। ऐसे नहीं कि फोन कर रहे हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अंदर से लगता है कि बाबा आ रहे हैं। वो भूत प्रेत प्रवेश करते हैं ना, वो भूत प्रेत जिसमें प्रवेश करते हैं उनको भी ऐसा लगता है पहले से। तो कितना निराकार स्थिति को हम धारण करेंगे उतना ही हम शरीर में ऊपर वाले आत्मा कम प्रवेश करेंगे ना बाबा। हाँ ठीक है, लेकिन रुद्र वाला के मन को प्रवेश जरूर करेंगे करेंगे बट लेकिन कम से कम 16 या 12 प्रवेश करके बंद करके ये शरीर तारीख को कुछ नहीं लगता है बाबा। मैंने कम प्रवेश करेंगे, ज्यादा नहीं प्रवेश करेंगे, है थोड़ी आत्मा प्रवेश करेंगे, ज्यादा नहीं प्रवेश करेंगे। ये 33 करोड़ में 750 करोड़ माना एक एक को कम से कम 21 आत्माएं प्रवेश करना जब है। तैतीस करोड़ में से एक एक में क्राइस्ट आदि का प्रवेश होता रहता है, ऐसे मुरली में बोला है। मैंने 33 करोड़ देवताओं में से कोई भी नहीं है जिसमें प्रवेश न होता हो। जो पहली आत्मा है 33 करोड़ में जो पहला देवता है उसमें भी प्रवेश होता है। सुप्रीम जो नहीं आता है और कब से ये आदि ने ये संस्कृत का गीता क्लासिफिकेशन देते थे, अभी कितने टाइम में वो अंत में भी आने वाले है भगवान। आदि ने वो संस्कृत गीता को पढ़ करके थोड़ा क्लासिफिकेशन देते थे आदि से अंत, तो अब अंत आने वाली है तो थोड़ा टाइम में ही शुरू होने वाली है बाबा। ठीक है, बहुत जल्दी है। तो ऐसे ऐसे कैंसर होता है पढ़ने से ही पता चलता है ये शिव बाबा बात कर रहे हैं, ये कृष्ण नहीं बात कर रहे हैं, वो को वेबसाइट में डाल करके सर्विस कर सकता है बाबा। क्या डाल कर वेबसाइट में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है बाबा के माँ बाप बाबा को माँ ऐसे ऐसे रखते थे वो को टैली करके संस्कृत की गीता को टैली करके आगे चली गई भी होगा। आज में हुआ तो अंत में होगा, आज में संस्कृत गीता पढ़ करके एक मेडिटेशन देते थे तो अंत में भी जो संस्कृत की गीता है उसका ऐसे ऐसे करके समझा देंगे कि असली ज्ञान ये। पहला ही श्लोक है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सर्वेता युत्सव,
अभी बात पूरी खुली नहीं है ना, पूरा ड्रामाबाजी हो जाएगी तो सारी बात खुल जाएगी कि कौन सा धर्म क्षेत्र है। धर्म स्थापना का क्षेत्र ये है, कर्म क्षेत्र। कौन कर्म करता है, कैसा कर्म? श्रीमती अंकुल है, श्रेष्ठ कर्म कौन करने वाले हैं और भ्रष्ट कर्म कौन करने वाले हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में क्लियर हो जाएंगे। धर्म क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में इकट्ठे हुए जो युद्ध की इच्छा वाले हैं, दोनों ही हामी भर रहे हैं। अब बस लड़ाई शुरू हो जाए, दोबारा न्यारा हो जाए। अब तो हम बहुत थक चुके हैं, एडवांस पार्टी वाले बहुत पहले से तैयार है। विजय माला वाले को अभ्यर्थ बात कर रहे हैं, हिम्मत देते चले आ रहे हैं। तो देखो एडवांस पार्टी तो तैयार है, तुम्हारी देर है, अभी वो भी हम से भर रहे हैं, बस आए मैदान में। ये अभी जब मैं सच्ची सेवा शुरू हो गया है, रुक्मणी जो मणि बनते बनते रुक गई, रुक्मणी तो पटरानी बन सकती है, पटराजा बन सकता है, पटरानी करते करते पट में गिर गई, तो पटरानी बनेगी, पटराजा बनेगा। पटरानी पटरानी में नाम मगर वो भी रत्न नहीं है, और रत्नों की सहयोगी कह सकते हैं, वही कुरान है है? कौन वही है? कुरान राम के भी कहते हैं विडो, जो पहले पति को मार दे तो विडो हो जाए, फिर दूसरा पति बना लिया, फिर बना लिया, फिर राण हो गई उसको भी मार दिया, तीसरा बनाया, तीसरा भी मार दिया, अच्छी रानो भी बुरी रानो भी। मुसलमानों में ऐसा करते हैं, तलाक तलाक तलाक। हिंदू जो स्त्रियां होती हैं वो एक बार पति मर गया तो उसके बाद दूसरा पति बनाती नहीं है, तो अच्छी रानो भी पुरान होगी। देखो बाबा कितना कभी वो बाजार में वो मारा मारे 3,000, 4,000, 5,000 वो माया तंग हो रही है। 5,000 माया तंग हो रही है, 5,000 शरीर छोड़ दिया इंडोनेशिया में, सुनामी हिट किया, अभी और ये भूकंप हो रहा है, तो इधर माया को एकदम तंग हो रहा है, इसलिए उधर इफेक्ट हो रहा है ना बाबा। माया की वजह से थोड़ा ही होता है, वो तो प्रकृति के प्रकोप से होता है, तो प्रकृति को एकदम सफाई करने के लिए शुरू हो गया। हाँ जी, कोई खास नहीं अभी हो गया, ये स्थापना दिखाई पड़ेगी तो विनाश भी दिखाई पड़ेगा, अभी स्थापना कहाँ दिखाई पड़ रही है? अभी ये लोग तैयार हो रहे हैं, वो दिखाई पड़ रहा है क्या? लेकिन बाबा झूठ बोलता है, बाबा झूठ बोलता है। नहीं, झूठ नहीं बोल रहा है बाबा, अब तक बाप दादा ने जो बोला वो सच्चा बोला, लेकिन वो दिखाई तो नहीं पड़ रहा है। कोई तो बच्चे होंगे जिनकी स्टेज बनेगी, बोला है अर्थदेवों में अष्टरत्न प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते ब्रह्मा जगदम्बा है, वो आप ब्रह्मा और जगदम्बा
ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, वो रतन कहाँ बनता है? वो तो जगदम्बा जो है, जगदम्बा, हाँ जगदम्बा रतन बनता है, रतन बनती है तो अस्त्र पहले अस्त्र देव में प्रवेश करती है, पहले अस्त्र देव बनता है ना, हाँ प्रजा से उसमें प्रवेश करता है। ब्रह्मा बने वो दादा लिख रहा है, ब्रह्मा जगदम्बा तो डब्बा है, असली जगदम्बा कौन है? असली साइंस फैक्ट्री को किसने डाल दिया? दादा लिख रहा है ब्रह्मा ने डाल दिया, वास्तव में यह ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है। मुरली ने बोला वास्तव में यह ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, तो वो वास्तव में है, डब्बा कौन है? बिना डब्बा से लेकिन आत्मा को प्रियोरिटी देंगे या डब्बे को प्रियोरिटी देंगे? जो सन्यासी होते हैं वो रोमुख का डब्बा बनाते हैं, उसमें राम 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 जपते रहते हैं, उनकी बुद्धि रोमुख में जाती है। और जो असली आत्मा है आत्म की स्थिति वाले, उनकी बुद्धि में बैठेगा जगदम्बा, वो रूप नहीं है, जगदम्बा का असली रूप है दादा लेखराज ब्रह्मा की। हाँ जी, वो भी तो पटरानी बनती है। तो क्या हुआ? नहीं वो भी तो पटरानी बनती है, मैंने इसलिए पूछा, वो मुस्लिम धर्म की, वो उससे पटरानी बनती है। मुस्लिम धर्म की पटरानी बनती है? नहीं दूसरी वो मुस्लिम धर्म की पटरानी बनती है। ठीक है, वो अष्ट रतन में नहीं आई, रतन अलग है, रानी अलग है। पटरानी होंगे तो पटराना नहीं होंगे, उनका नाम तो करते करते पट में गिर जाए तो पटराना होंगे। उनका क्या नाम है? उनका क्या नाम, पहले महाराजा का नाम पक्का कर लो। है जो महाराजाए बनते हैं वो तो पहले क्लियर हो जाए। पहले अष्ट देवों की प्रत्यक्षता होगी या अष्ट रत्नों की प्रत्यक्षता हो जाएगी? सूर्य की प्रत्यक्षता होगी बाद में, फिर मैं भी बता सकता हूँ। हो गया, अभी जयनगर का वार्ता का क्लास खत्म करते हैं। हाँ अभी है, ये पूजा होने वाली नवग्रहों में है कौन सा लास्ट मूर्ति है? गिनती करता है ना, है? पहले सूर्य, चंद्र, राहु, के चारों तरफ घूमते रहते हैं, ग्रह उपग्रह जिसके चारों तरफ घूमते रहते हैं वो कौन है? सूर्य। सूर्य तो वो मुखिया हो गया, वो हो गया बीच में, बीच में है जो राउंड बना, कोई आदि नहीं उसको अंत भी नहीं। हाँ जो जिस समय जो पार्ट बजाए वही मुखिया है। ऐसे ही ये चार्ट में ऐसे ही ये कैप को दो दो हाउस दिखाते हैं ना बाबा, दो दो एक ही नवग्रह को दो 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 घर दिखाते हैं। दो दो नक्षत्र, दो 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 द
वो जो किसी लोग कहते हैं कि इनके ग्रह में वो प्रवेश कर गया, वो एक दूसरे से दोस्ती हो जाती है तो प्रवेश कर जाते हैं। कन्वर्सन होता है कि नहीं? हाँ, तो कन्वर्सन होने के लिए संघ का रंग चाहिए कि नहीं? संघ का रंग होता है तो प्रवेश कर जाते हैं। सूर्यवंशियों में चंद्रवंशी प्रवेश कर जाते हैं तो चंद्रवंशी भी क्या बन गए? सूर्यवंशी बन गए। तो ऐसे ही एक के घर में दूसरा प्रवेश करता है माने वो उसमें कन्वर्ट हो गया। हो गया।